अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप और टेक्निकल एनालिसिस के साथ हाजिर है। वीकली चार्ट जो यहाँ हम देख रहे हैं, इसकी क्लोजिंग जो है अनफॉर्चुनेटली एक बेयरिश कैंडल के साथ हो रही है। ये जिस तरह आप देख रहे हैं ब्लू कैंडल है, ये एक बेयरिश कैंडल है। अच्छा, और इसकी क्लोजिंग भी जो है वो दो के पॉजिटिव पॉइंट पे हुई है। डेली बेसिस पे अगर एक मिनट मैं आपके साथ पहले डेली चार्ट शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो डेली चार्ट अगर आप यह देखें तो यहाँ पे एक अगेन डोजी फॉर्म हुआ है जो कि इंडिसाइसिव शो करता है कि मार्केट जो है इंडिसाइसिव क्लोज हुई है। आने वाले दिनों में हम मजीद अपसाइड तो देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर देखें तो मंडे वाले दिन मार्केट क्योंकि ये क्लोजिंग जो है इनडिसाइसिव तो हुई है लेकिन पॉजिटिव हुई है, तो कंटिन्यूशन में हम थोड़ा सा अपसाइड देख सकते हैं। 44,500 यहाँ पे हम एक करेक्शन विटनेस कर सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो है 45,100, ये जो है 44,500 और 45,100 ये एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट रेजिस्ट कर सकती है। बट अगर हम वीकली देखें, जिस तरह ये मैं वीकली चार्ट में ज़्यादा एम्फोसाइज करूँगा क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप देखें तो ये 8 मार्च 2021 को ये एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी और इसकी क्लोजिंग जो है 43,780 के करीब जो है ये यहाँ पर हुई थी। ये है 43,780 के करीब। इसके बाद जो है मार्केट ने इसको कई दफ़ा रिटेस्ट किया है। वीकली चार्ट में आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो 15 मार्च, फिर इसके बाद जो है 5 अप्रैल, फिर इसके बाद जो है 3 मई, ठीक है। यहाँ मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया कई दफ़ा इसी लेवल को, लेकिन यहाँ पे देखा यहाँ क्लोजिंग नहीं आई है, यहाँ पे विक फॉर्म हुई है, ठीक है। क्लोजिंग जो है इसी के ऊपर हुई थी, इसके बाद मार्केट ने अपनी अपसाइड मूवमेंट दिखाई और 48,900 के अराउंड यहाँ मार्केट ने अपना हाई बनाया। इसके बाद हमने मार्केट में देखा कि मार्केट यहाँ थोड़ी सी साइडवेज हुई और ड्रास्टिकली नीचे डाउन साइड पर हमने उसको विटनेस किया और फिर अगेन उसी लेवल को क्रॉस करते 43,000 के अराउंड जो है मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया। लेकिन अगेन अगर हम वीकली चार्ट देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक विक फॉर्म किया है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट की क्लोजिंग जो है यहाँ पे आ रही थी समवेयर अराउंड यहाँ पे, ये वीकली क्लोजिंग जो है 44,800 के अराउंड। फिर इसके बाद ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये डेली चार्ट में हम देखें तो ये फर्स्ट बुलिश लेग फॉर्म कर रहा था और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे 47,600, ये मैंने पिछली ऑडियो में भी शेयर किया था कि ये एक 47,300 से लेके 47,600, तो मार्केट ने यहाँ देखें यहाँ विक बनाया, यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर सकी। मैं आप एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये लेवल, ठीक है, अगर हम ये लेवल देखें तो एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो अनफॉर्चुनेटली मार्केट और इंडेक्स इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, इसका ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। मार्केट में इस वक्त पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं हैं और आने वाले दिनों में भी देखें पॉजिटिव ट्रिगर हमको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। एक ही अच्छी न्यूज़ है जो क्रूड के हवाले से है, जिसका एनालिसिस मैंने अपने फेसबुक पेज में भी किया था, अपने ग्रुप में भी किया था, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये मैंने एक इसका एनालिसिस किया था क्रूड का 22 नवंबर 2021 को, उस वक्त जो है वो क्रूड जो है वो ट्रेड कर रहा था 76.33 सेंट्स के अराउंड, 76.33 सेंट्स पर बैरल। उस वक्त मैंने चार्ट शेयर किया था और ये मैंने बताया था कि ये राइजिंग वेज जो है एक ये बेरिश पैटर्न फॉर्म होने जा रहा है, तो अगर ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है, मैंने एक सपोर्ट चैनल भी क्रिएट करके दिया था और बताया था कि इसके नीचे स्टॉप लॉस आप
करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिटवीन 7542 और 7391। ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने इसको, सॉरी इसके क्रूड ने इसको ब्रीच किया, और इस वक्त जो मेरे आई थिंक समवेयर अराउंड 68 डॉलर कुछ सेंट्स में ये ट्रेड हो रहा है। उस वक्त मैंने यहाँ पे एक अपने एक टारगेट अपना क्रिएट किया था 62 डॉलर के अराउंड। तो मोस्ट लाइकली ये टारगेट हो सकता है ये अचीव का हो जाए आने वाले दिनों में। तो क्रूड के हवाले से एक अच्छी खबर है। बाकी देखें तो पॉलिटिकल हवाले से भी कोई अच्छी खबर नहीं है ना इकोनॉमिकल, बल्कि अगर हम देखें हेल्थ के हवाले से तो कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका से आया है ओमिक्रॉन, तो उसके भी फैलने का खदशा है, और जो लोग वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं बुरी तरह। पहले तो ये था कि आप बुरी तरह अफेक्टेड नहीं हो सकते वैक्सीन जिन्होंने लगाई हुई है डेल्टा वेरिएंट के, लेकिन ओमिक्रॉन जो है उस पर इसका असर नहीं होगा, तो ये भी एक अच्छी खबर नहीं है। ऑब्वियसली इसका हमारी इकोनॉमी पे भी बुरा असर आ सकता है अगर ये हमारी जो है इसमें जो ट्रेड जो है अगर डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से। बहरहाल मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि यहाँ पे इंडिकेशन सॉरी जो है पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, और इंडिकेट किया था मैंने मंथली चार्ट के हवाले से भी और वीकली चार्ट के हवाले से भी। ठीक है, वीकली चार्ट का मैंने बोला था कि यहाँ से ऊपर परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, 45,700 या 46,200, ये अभी भी बहुत स्ट्रांग लेवल है 46,200। आपको याद होगा मैं बार बार रिपीट करता हूँ, डेली चार्ट पे जो है ये अप ट्रेंड मतलब ट्रेंड चेंजिंग लेवल है 40,200, 40,300 के मार्केट ऊपर अगर परफॉर्म करती है तो हम वीकली चार्ट में भी यहाँ पे जो है 47,265, 47,300 यहाँ पे हम इसको रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मार्केट जो ड्राइव करता है वो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, इसका मैं इसको ब्राउन कलर दे देता हूँ, ये टारगेट अचीव होता है तो सही है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है वीकली चार्ट पे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस वक्त हमारा जो बेंचमार्क है 8,000 बिलियन या 8 ट्रिलियन रुपीज़ का, वो अनफॉर्चुनेटली वीकली एंड ऑफ द वीक हमने देखा वीक ऑन वीक बेसिस पे नहीं कर पा रहा है, बल्कि हमने इसमें और भी डिक्रीज देखा है। तकरीबन अभी इस वक्त जो है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो समवेयर अराउंड मतलब समझे 7,500 डॉलर हो गया है तकरीबन, ये समझे आप। मैं आपको अभी एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, तकरीबन अभी जो है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,584.69 बिलियन, तकरीबन समझिए 7,500 के अराउंड है। तो ये एक जो है थोड़ी तश्वीशनाक सूरत हाल है, तो और कोई पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं है सिवाय क्रूड के, तो उसमें हम कुछ बेहतरी देख सकते हैं हमारी इकोनॉमी पे। यूं असर अच्छा पड़ सकता है कि अगर इसकी वजह से पेट्रोल प्राइस जो है वो नीचे आती हैं तो ऑब्वियसली हमारे जो इन्फ्लेशन है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडिकेटर जो है वो भी नीचे होगा, सेंसिटिव प्राइस जो हमारा इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है वो भी नीचे आने की उम्मीद है। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो आई थिंक 24 दिसंबर को शेड्यूल्ड है, तो हो सकता है उसमें अनचेंज हो या थोड़ा सा हम इसमें जो है कमी देख सकते हैं। बहरहाल अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है बड़ी गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि ये वीक का एंड भी था और आगे मंथ का एंड भी आ रहा है। ठीक है, इससे मैं अभी फिर दोबारा से आपको एक सरसरी तौर पे मंथली चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें तो मंथली चार्ट का भी ये मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है यही है 47,600, 47,300। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैंने पहले भी आपके साथ आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर आप लाइन चार्ट देखें तो ये राइट शोल्डर है, इसके बाद जो है ये एक हेड फॉर्म वो है, फिर इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड देके फिर ये
लेफ्ट शोल्डर क्रिएट किया है। तो ये अगर आप देखें तो ये हेड एंड शोल्डर मंथली पे क्रिएट हो रहा है, तो ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है, ठीक है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। देखें कोई पॉजिटिव ट्रिगर आता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है तो हो सकता है माने दिनों में अच्छी बेहतरी देख सकते हैं, लेकिन अभी जो है टेक्निकली तो मार्केट बिल्कुल डाउन साइड नजर आ रही है। अगर हम देखें तो मार्केट जो है ये लेवल भी रिटेस्ट कर सकती है 39,700 में। आपके साथ ये यहाँ के ट्रेंड लाइन बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल, ये समवेयर अराउंड यहीं कहीं अगर आप देखें ये 39,700 के अराउंड यहाँ मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। इवन अगर हम कैंडल चार्ट अगर देखें तो 39,000 भी रीटेस्ट किए देखें, ये इसने साउंड ये सॉरी नॉइज जो है वो फिल्टर किया हुआ था लाइन चार्ट ने। यहाँ देखें 38,500 भी एक है लेवल, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल। इसको आप अपने जहन में रखें और ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं करें। अगर पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि पीई रेशियो आप जो है ज़रूर जहन में रखें, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बाइंग करें, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी ब्रीच करती है तो होपफुली इंशाल्लाह यहाँ से सपोर्ट तो मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर इसके भी नीचे आती है तो हम यहाँ पे 38,000 और एक मिनट मंथली चार्ट में मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर लूँ 35,000 या 36,000, 36,000 से 35,000 के दरमियान जो है मार्केट इसको रिटेस्ट कर सकती है। अगर यहाँ पे अगर कोई अच्छी सपोर्ट नहीं मिलती, कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आते, तो ये भी आप जहन में रखें कि मार्केट इसको रिटेस्ट कर सकती है 35,000, 36,000। अच्छा, आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है क्योंकि क्रूड की प्राइसेस भी नीचे आई हैं और रिफाइनरी जो है बहुत ही नीचे ओवरसोल्ड जोन में है, अंडर वैल्यूड है, उसमें से मैंने पिक किया है रिफाइनरी सेक्टर में नेशनल रिफाइनरी एनआरएल, ठीक है। उसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे शेयर किया है, उसमें हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसका मैंने एक शॉर्ट टर्म का बनाया है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, जिसको आप देखें इसको ये ठीक है, इसको ये ऑनर करता हुआ आ रहा है। देखें यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑनर किया, रिजेक्शन हमने विटनेस की और ये रिट्रेस करते ये वाला स्टॉक वापस इधर आया। अच्छा, अब आप देखें जब इसने 52 इसका हाई लगाया था तकरीबन 620 है इसके अराउंड, इसके बाद जो है ये देखें यहाँ पहले कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ थोड़ा अब यहाँ कंसोलिडेशन के बाद फिर हमने जो है अपसाइड इसमें देखा है। 364 के अराउंड इसने जो अपना हाई किया था, इसके बाद फिर ये इसने करेक्शन ली है इस स्टॉक ने और अगेन उसी जगह आया है 259। अगर हम देखें तो इसने लो किया था 244 का, ठीक है, ये यहाँ पे 244 245 का लो किया था। इसके बाद जो है क्लोजिंग 244 पे नहीं दी है, ठीक है, क्लोजिंग इसकी आई थी 253 के अराउंड। फिर इसके बाद जो है ये स्टॉक इसी एरिया में मूव करता रहा काफ़ी दिन तक, यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहा, ये कंसोलिडेट होता रहा, इसके बाद जो है यहाँ पे ये 263 के अराउंड इसने हाई किया। अब फिर ये उसी सपोर्ट, ये हमारे एक तकरीबन समझे सपोर्ट जोन एरिया है, सपोर्ट एरिया है, वहाँ पे अगेन फिर वही इसने सपोर्ट लिए, पहले एक वीक बनी यहाँ पे, क्लोजिंग उसने यहीं दी है तकरीबन 260 और यहीं से इसने सपोर्ट लेके क्लोजिंग इसी के ऊपर दी है 275 के अराउंड। तो इसमें जो है आप डे ट्रेडर हैं वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इन्वेस्टर जो है इनको मैंने बताया है कि अपना पी रेशियो देखें, अगर इसने भी डिविडेंड, ये भी एक डिविडेंड ओरिएंटेड है, डिविडेंड देना इसने शुरू किया है, तो अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय करना चाहते हैं तो इसका पी रेशियो ज़रूर देख लें और इसमें यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये तकरीबन 276 अगर ये क्रॉस करता है तो इसके बाद आपको 298 और इवन ये यहाँ पे ये इसको वापस रिटेस्ट कर सकता है 335 के अराउंड। तो आप अगर अच्छा गेन हासिल करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए इसका आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं
322 से लेके 335 के अराउंड। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।